हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। और हम आए हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज का हमारा ब्लॉग है प्रधानमंत्री संग्रहालय के ऊपर, यानी कि पीएम म्यूज़ियम के ऊपर। हम यहाँ देखने आए हैं पीएम म्यूज़ियम, यानी कि आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश के बने हैं के कार्यकाल को यहाँ दर्शाया गया है कि कौन कौन से पीएम थे और क्या क्या कार्यकाल था उनका। सारे प्रधानमंत्री जो कि आज़ादी से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, सबको यहाँ पर इस संग्रहालय के अंदर दिखाया गया है, उनकी छवि दिखाई गई है। और आप भी मेरे साथ देखिए आगे कि आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे इस संग्रहालय में क्या क्या है। प्रधानमंत्री संग्रहालय की टिकट आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ले सकते हैं। ऑफलाइन का तरीका, यहाँ पर आप आएंगे, एंट्री करेंगे और सामने काउंटर से आप टिकट ले लेंगे और आपको यहाँ लॉकर्स की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। अगर आप कोई सामान लाए हैं तो यहाँ पर आप रख सकते हैं। ऑनलाइन टिकट आप प्रधानमंत्री संग्रहालय की वेबसाइट पर जाकर आप ले सकते हैं। वहां पर आप जाके बुक नाउ करेंगे। बुक नाउ करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए 100 रुपीज का टिकट रखा गया है। 5 से 12 साल तक के लिए 50 रुपए टिकट है। इन्फेंट के लिए कोई टिकट नहीं है। ऑनर्स के लिए 750 का टिकट रखा गया है। इसके बाद आकर आप भविष्य की जानकारी जो बटन्स हुए हैं उसका पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 60 रुपीज है। हैंड राइटिंग रोबोट हैं तो आपको 20 रुपीज। वॉक विद पीएम चाहते हैं तो आपको उसके लिए 20 रुपीज। सेल्फी विद पीएम चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 20 रुपीज पे करना। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होती है, आपकी समरी आ जाएगी जो आपने की है। आप उसको पे कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हैं। आप QR कोड स्कैन कीजिए और आपका टिकट बुक हो जाएगा। और दोस्तों, जैसे कि हम पीएम म्यूज़ियम के अंदर जाने वाले हैं, अपनी टिकट हमने चेक कराई है और उस टिकट चेक कराने के बाद यहाँ लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल है जहाँ पे मैंने अपना सामान सबमिट कर दिया है। और आगे चल रहा हूँ मैं अब प्रधानमंत्री म्यूज़ियम के अंदर। चलिए मेरे साथ अब आगे चलते हैं प्रधानमंत्री म्यूज़ियम में क्या क्या है। मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि अंदर क्या क्या होगा। और देखिए, प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी के प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का बाहरी लुक कितना अच्छा है। और ये ऊपर हमारा तिरंगा झंडा जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, ये देखिए लुक। चलिए अब अंदर चलते हैं। अंदर जैसे ही पहुंचे हम, यहाँ पे चेकिंग हो रही थी और चेकिंग होने के बाद हमें अंदर प्रवेश मिला। अंदर एंट्री करते ही हमें सबसे पहले दिखा प्रधानमंत्री संग्रहालय का मॉडल जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। जैसा ये मॉडल है वैसे ही संग्रहालय बनाया हुआ है। आइए मैं आगे आपको पूरा संग्रहालय दिखाता हूँ जो कि इस मॉडल की तरह ही सुंदर है। और हम शुरुआत देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से करते हैं। रूम में आते ही सबसे पहले हमारी नजर इस बुक पे पड़ी जो कि डिजिटल बुक थी और जो कि देश की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। आप देखिए कॉर्नर में आप देख रहे होंगे ये स्कैन कोड है और ये ऊपर आप देखिए ये कैमरा। जैसे ही क्या नाम है, मैं बुक को चेंज करता हूँ, पेज चेंज करूँगा। देखिए ये कोड स्कैन होगा और उनके अर्ली लाइफ के बारे में जो भी होता है कोड से इस कैमरे के थ्रू आ जाता है। ये देखिए प्रारंभिक जीवन। ये देखिए चाइल्डहुड में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपनी मदर के साथ हैं स्वरूप रानी नेहरू के साथ। एक
बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे साथ साथ में बुक्स हैं, अब उनके बारे में जो भी बुक्स उनके टाइम की थी, जैसे रविन्द्रनाथ बोस जी की बुक, सेम वैसा ही साइड है। शिव जी का सैनगच जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी, ध्यान जो हुआ था, मतलब उसमें ये रूम था फाइनल उनका जिसमें मृत पाए गए थे। ये बैड ठीक है उस टाइम की बात। इस कमरे में उनका ध्यान दुआ दिया, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे। एक तरफ है जवाहरलाल नेहरू जी का बैठक लिविंग रूम और दूसरी तरफ है अध्ययन कक्ष। आइए पहले लिविंग रूम देखते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का लिविंग रूम है, बहुत ही शानदार बनाया गया है दोस्तों। वाह, आई थिंक ये हैदराबाद अध्ययन कक्ष, यहाँ देर रात तक रात्रि कार्य क्या करते थे। अध्ययन कक्ष को थोड़ा सा मतलब इन्होंने लाइट लो रखी है ताकि वो फील आए। वो देखिए इंदिरा गांधी जी की तस्वीर और ये देखिए यहाँ पे बैठ के वो अध्ययन किया करते थे। आप पुराने ज़माने के टेलीफोन्स वगैरह देख सकते हैं जो अब नहीं चलते हैं। देखिए स्वतंत्रता की वॉर, डाउन ऑफ फ्रीडम। उस टाइम की दुर्लभ वीडियो है जब देश आजादी की तरफ बढ़ रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर, ये वो क्षण है जब गोवा की मुक्ति थी, द लिबर्टी ऑफ गोवा। उस टाइम की दुर्लभ पिक्स आप देख सकते हैं। आधुनिक भारत के मंदिर, नए संस्थान, टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, न्यू इंस्टीट्यूशंस संस्थान। और आगे है तोशाखाना। तोशाखाना का मीनिंग होता है वह बड़ा कमरा जहाँ या स्थान जहाँ राजाओं और अमीरों के पहनने के बढ़िया कपड़े, गहने इत्यादि रखते हैं, वस्त्रों का, आभूषणों का भंडार।
इसको तोशाखाना बोला जाता है, बट यहाँ पर जो है पीएम के संदर्भ में यूज किया जाएगा। इसका मतलब है कि आजादी से अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हैं, उनको अन्य देशों के प्रधानमंत्रियों ने या अन्य लोगों ने जो जो गिफ्ट दिए हैं, उनकी एग्जीबिशन यहाँ पे रखी गई है जो आप देख रहे हैं। ये गिफ्ट रिसीव डॉक्टर मनमोहन से। किस किसने दिए थे ये देखिए, मॉडल ऑफ मेटेलिक। और ये हमारी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का शयन कक्ष। जो कि हमारे देश के करंट प्रधानमंत्री हैं, उनको गिफ्ट मिले थे। गिफ्ट रिसीव्ड श्री नरेंद्र मोदी। और ये नरेंद्र मोदी जी जो हमारे करंट प्रधानमंत्री, उनको गिफ्ट मिले। हमने ऊपर का कवर कर लिया है। नेहरू जी और मोदी जी को जो गिफ्ट मिले थे, साथ में अन्य प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट मिले थे, वो हमने ऊपर देखे अभी। और हम अभी नए बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, तो नए बिल्डिंग में क्या क्या है वो देखते हैं हम जाके।